हेलो, नमस्कार। आप सब लोगों का आज के सेशन में स्वागत है। मैं अरविंद सिंह, पहले आप मिल चुके होंगे और आप सब लोग थोड़ी बहुत जानकारी तो मेरे बारे में आप लोगों को होगी ही। आज के सेशन में चाय पर चर्चा है, और चाय पर चर्चा सिर्फ मोदी जी का अधिकार नहीं है, हम सब लोगों का भी अधिकार है कि हम भी चाय पर आपस में चर्चा करें। और इसलिए आज मैं चाय के साथ हूँ, आप सब भी उम्मीद है चाय के साथ होंगे। चर्चा क्या है कि एक प्रस्तावित भूमंत्र फाउंडेशन और बाबू सरजू सिंह मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से, जो एएसए का ही एक संभाग है, 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति योजना प्रस्तावित की गई है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इसकी रूपरेखा के बारे में जानना चाहेंगे, तो उसी के संबंध में ये सेशन रखा गया है। आपके सारे जो सवाल होंगे उनका जवाब दिया जाएगा, लेकिन आप सब लोग जुड़े पहले और अपने मित्रों को भी जोड़ने के लिए कहें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेशन का लाभ उठा सके और अधिकाधिक लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। सेशन का मुख्य रूप से तात्पर्य तो यही है कि जो भी सवाल हो उसका जवाब दिया जाए, क्योंकि सूचनाएं सारी आपके पास लिफलेट के जरिए दी जा चुकी है। लगभग लगभग सारी सूचनाएं आपके पास दी जा चुकी है, लेकिन फिर भी कई सारे शंकाएं इसलिए होंगी कि आए दिन ऐसे योजना आपको कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं जिसमें लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा लुक्रेटिव और बहुत ही ज्यादा आकर्षक योजना है, लेकिन नीचे में लिखा होता है छोटा स्टार लगा करके, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, टीएनसी। तो यहाँ पर ऐसी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है किसी भी प्रकार का कि जिससे ये लगे कि हाँ, ये छात्रवृत्ति योजना जो है वह किसी टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर है। हाँ, एक टर्म्स एंड कंडीशंस है, और वो ये है कि हमें सुयोग्य छात्रों को चुनना है जिसको आईआईटी जेई की परीक्षा में या नीट की परीक्षा में उच्च रैंक दिलाया जा सके। इस चुनाव के लिए एक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जो स्कॉलरशिप टेस्ट के नाम से जाना जाता है, और ये एग्जाम 22 तारीख को प्रस्तावित है। जैसा कि आपको पता है, 22 मार्च को होगा ये छात्रवृत्ति। छात्रों को तो मुफ्त में मिलेगी, लेकिन जो एएसए इंस्टीट्यूशन है, ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, ये अपनी फीस तो लेगा। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से ये एकेडमी अपनी फीस लेगा, और फीस की भरपाई भूमंत्र फाउंडेशन और बाबू सरयू सिंह मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से दी जाएगी। आप लोग के लिए यह बिल्कुल ही निशुल्क होगा। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि 60% लगेगा कि 50% लगेगा। कई जगह आप देखते होंगे स्कॉलरशिप के लिए लिखा होता है कि स्कॉलरशिप अप टू 80%, अप टू 100%, डिस्काउंट अप टू 80%, अप टू 100%। और उसमें जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि दुकान पर जाने के बाद वहां पे 20% या 5% या 7% या 10% ही आपको मिलता है। उन्होंने ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन रख दिया कि ये पुरानी जो है उस पर डिस्काउंट है, जो नया है उस पर डिस्काउंट नहीं है, वगैरह वगैरह कई तरह की बातें होती हैं। तो यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। जो छात्र जिन छात्रों का चयन होगा उनको 100% मुफ्त में पढ़ाई की जाएगी, पढ़ाया जाएगा। और उनको मुफ्त इसलिए है कि उसकी छात्रों को तो मुफ्त है, बट जो ट्रस्ट है और जो फाउंडेशन है, ये लोग उस फीस की भरपाई करेंगे।
क्योंकि कोई भी शिक्षक बिना पैसे लिए नहीं पढ़ाएगा। एक प्रोफेशनल टीचर्स हैं, हाई क्लास टीचर्स हैं, नेशनल रेपुटेशन के टीचर्स हैं, और ये सब लोग 10 साल से 15 साल के एक्सपीरियंस वाले टीचर हैं, ये मुफ्त में कोई सेवा नहीं देंगे और हम मुफ्त में सेवा लेना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि मुफ्त का काम मुफ्त की तरह होता है और उसमें वो लगन, वो कमिटमेंट, वो पैशन, वो डेडिकेशन, ये सब चीजें नहीं होती। तो शिक्षक का गुरु दक्षिणा तो देना ही चाहिए और वो दिया ही जाएगा, लेकिन आपके लिए यह सुविधा निःशुल्क है। आपको क्या करना है? अब सवाल यह है कि आपको क्या करना है, आप किस तरह से आप लाभान्वित हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना यह है कि आप जो लिंक दिए गए हैं अरविंद सिंह एकेडमी, www.arvindsinghacademy पे आप जाएंगे, www.arvindsinghacademy.com पे, तो आपको पेज खुलते ही आपको आएगा कि इनरोल नाउ। उस इनरोल नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक स्कॉलरशिप टेस्ट, इंट्रोडक्शन टू स्कॉलरशिप टेस्ट निकल आएगा पेज। उसमें आपको अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल एड्रेस और कौन सी क्लास में आप स्कॉलरशिप टेस्ट क्लास के लिए एडमिशन चाहते हैं उसके लिए आपको क्लास लिखना होगा और उसके बाद इसे सबमिट कर देना है। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी और हम आपको एक एडमिट कार्ड इशू करेंगे। 22 तारीख को एग्जाम है, प्रोबेबली 20 तारीख को आपको एक एडमिट कार्ड मिल जाएगा और उस एडमिट कार्ड को लेकर के आपको परीक्षा केंद्र पर आना होगा। जो निर्धारित समय होगा उस निर्धारित समय पर बच्चे को लेकर के आप आए और परीक्षा दिलाएं। पेरेंट्स के लिए भी अलग से जितने समय तक बच्चे एग्जाम देंगे एक काउंसलिंग सेशन होगा कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो पेरेंट्स के लिए भी एक काउंसलिंग सेशन का आयोजन किया जाएगा ताकि देखिए ऐसा है कि सिर्फ बच्चा पढ़ेगा और टीचर पढ़ेगा पढ़ाएगा तो बात नहीं बनने वाली। आपकी भी सहभागिता उतनी ही जरूरी है। अगर आपने सपना पाला है कि बच्चे को इंजीनियर बनाना है आईआईटी से या ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट से डॉक्टर बनाना है, कुछ तो तकलीफ आपको भी करनी पड़ेगी, है कि नहीं? तो ये तीन टायर सिस्टम है, थ्री पार्टनर्स हैं इसके, एक इंस्टीट्यूशन, दूसरा स्टूडेंट और तीसरा पेरेंट्स। कोई एक भी इसमें से कमजोर होगा तो बात नहीं बनेगी, तीनों की सहभागिता जरूरी है। बात समझ में आ रही है? तो हम एडमिशन जब लेंगे, जिन छात्रों को चयनित करेंगे उनके लिए, उनके पेरेंट्स के लिए भी कुछ काम देंगे, उनकी सहभागिता जरूरी है। उनको क्या करना होगा, किस तरह से पेरेंटिंग करनी होगी, किस तरह से बच्चे का सहयोग करना होगा, किस तरह से उसे मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत रखना होगा, ये टिप्स दिए जाएंगे और ये टिप्स उस सेशन में दिए जाएंगे जिस दिन बच्चे एग्जाम दे रहे होंगे। आप सब लोग से ये अपेक्षा है कि आप बच्चे के साथ उस दिन आए और उस लाइव सेशन को अटेंड करें। और लाइव सेशन का मतलब ये है कि वह वन टू वन इंटरेक्शन होगी और अगर दूसरे दूसरे केंद्रों पर होगी तो वहां पर भी इसको प्रसारित किया जाएगा सेम टाइम पे, तो उसकी कोशिश की जाएगी उसके लिए। अब सवाल ये है कि परीक्षा केंद्र कहाँ होंगे? तो परीक्षा केंद्र कई जगह बनाए जा सकते हैं, ये उन छात्रों की संख्या पर निर्भर करेगा कि कितने छात्र हमारे पास आवेदन करते हैं। छात्रों की संख्या के अनुसार अलग अलग शहरों में भी, जिस जैसे पटना है, पटना में भी, दिल्ली के भी कई स्थानों पर या कहीं और भी किसी और शहर में भी सेंटर बनाए जा सकते हैं, परीक्षा केंद्र बनाए जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए पहले से हम कोई कमिटमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए कि एक या दो छात्र ही किसी शहर में हैं तो वहां परीक्षा केंद्र बनाना संभव नहीं है। लेकिन अगर छात्रों की संख्या 15-20 एक शहर में होती है तो वहां हम परीक्षा केंद्र अवश्य बना देंगे, वहीं से छात्र परीक्षा देंगे और
वहीं से उनको आने जाने की जरूरत नहीं होगी और वहीं पर उनकी पेरेंट्स की काउंसलिंग भी लाइव कराई जाएगी। दिल्ली में जो पेरेंट्स हैं उनसे ये अपेक्षा की जाएगी कि वो आ करके हमारे सेंटर पे एग्जाम दें और यहीं पर डायरेक्ट वन टू वन लाइव सेशन में ही बैठ के, यानी वन टू वन इंटरेक्शन में अपने प्रश्नों को पूछें और उनको बच्चे के सक्सेस के लिए क्या सहयोग करना चाहिए, इन सब बातों पे चर्चा होगी। अब सवाल ये है दूसरा कि ये प्रोग्राम है क्या, ये योजना है क्या। इस योजना में हम छात्रों को जो अभी आठवीं क्लास में है, यानी जो मार्च के बाद नौवीं कक्षा में जाएंगे, जो अभी नौवीं क्लास में है, दसवीं कक्षा में जाएंगे और जो बोर्ड के एग्जाम दसवीं के दे रहे हैं, जो इलेवेंथ में जाएंगे, इन तीन प्रकार के छात्रों का चयन होगा। नाइन्थ क्लास, टेंथ क्लास और इलेवेंथ क्लास में, एक बार फिर मैं दोहरा रहा हूँ, नाइन्थ क्लास, टेंथ क्लास और इलेवेंथ क्लास में जाने वाले छात्रों का चयन किया जाएगा। जो छात्र नाइन्थ क्लास में चयनित होंगे उनको अगले चार सालों तक फ्री कोचिंग दी जाएगी, जिसमें सीबीएसई के लिए नाइन्थ टेंथ के सिलेबस के अतिरिक्त उनको फाउंडेशन कोर्स जो आईआईटी जेईई और नीट का है, इसके लिए तैयार किया जाएगा। इसके लिए उनको जो कंपटीशन का लेवल है, जो जरूरत है, उसके लिए तैयार किया जाएगा। और नाइन्थ टेंथ के बाद उन बच्चों की एक मनोवैज्ञानिक, एक साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया जाएगा, जिससे ये पता चलेगा कि बच्चों की रुचि किधर है। क्या वह इंजीनियरिंग फील्ड में के लायक है या वो मेडिकल फील्ड के लायक है। उस साइकोमेट्रिक टेस्ट के आधार पर हम ये डिसाइड करेंगे कि बच्चे को जेई में जाना है या नीट में जाना है। ये सिर्फ 60% ही रहेगा इसका असर, 40% बच्चे की और पेरेंट्स की इच्छा ली जाएगी। पेरेंट्स की इच्छा उसमें 10% होगी और बच्चे की इच्छा 30% होगी। यानी आपका रोल रहेगा, आपकी इच्छा का सम्मान किया जाएगा, लेकिन उसका 10% ही रहेगा। उसी आधार पर, इन सब का मिला जुला जो असर होगा, उसके आधार पर 11th क्लास में उसको अलग से जेई या नीट के सेक्शन में रखा जाएगा और उसके अगले दो साल कड़ी मेहनत करके उस बच्चे को जेई और नीट के लिए तैयार किया जाएगा। तो उम्मीद है कि आप ये समझ गए, नाइन्थ क्लास के बच्चे के लिए ये योजना है। जो बच्चा नाइन्थ क्लास में सिलेक्ट होगा उसकी फीस 3.5 लाख रुपए बनती है, नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ और ट्वेल्थ की शिक्षा के लिए, चार साल के लिए कोचिंग की फीस 3.5 लाख है। ये रकम जो फाउंडेशन है और जो ट्रस्ट है ये मिल करके चुकाएगा, आपको इसके लिए कोई एक रुपया भी पे नहीं करना है। ये फीस आमतौर पर जो बड़े ब्रांड के इंस्टीट्यूट हैं उनमें काफी ज्यादा है। ये अगर सब मिला लिया जाए चार साल की, तो लगभग ये 5 लाख रुपए वो लोग लेते हैं, 5 से 5.5 लाख रुपया प्लस 18% जीएसटी, और ये रकम उनकी है। हमने एक बहुत ही साधारण सा फीस रखा है और उस फीस के अंतर्गत हम छात्रों को तैयार करते हैं। जो बच्चे दसवीं क्लास में हैं और चयनित होंगे, दसवीं क्लास में जाएंगे और चयनित होंगे, उनको 3 साल तक दसवीं क्लास बोर्ड के लिए तैयार किया जाएगा और फिर साल के अंत में उनको भी इसी साइकोमेट्रिक टेस्ट प्लस बच्चे की इच्छा और पेरेंट्स का अपेक्षा, आकांक्षा, स्वप्न, जो भी आप कहें, उसका भी ध्यान रख के और उनका भी इसी तरह से 11th या 12th में चुनाव किया जाएगा। जो बच्चे 11th में जाने वाले हैं उनका एक स्कॉलरशिप टेस्ट होगा और बच्चे की इच्छा जिधर होगी उसका ध्यान रखते हुए उसको भी नामांकित किया जाएगा। तो आप समझ गए, जो 10th क्लास का बच्चा है उसका अगर चयन होता है तो उसकी फीस 10th, 11th और 12th की 3 लाख रुपए है, जो कि फाउंडेशन और ट्रस्ट मिलकर के पे करेगा। जो बच्चा 11th में सिलेक्ट होगा उसके लिए 11th और 12th की फीस जो 2.5 लाख रुपया है प्रति छात्र, चाहे वो जेई की तैयारी करे, चाहे नीट की तैयारी करे,
ये फीस भी ये फाउंडेशन और ट्रस्ट अदा करेंगे। ये फीस जो 2 ईयर की फीस है, आप सब लोग अवेयर हैं, अगर नहीं हैं तो पता कर सकते हैं। किसी भी बड़े ब्रांड में आप जाएंगे तो 3,75,000 से लेकर के और 4.5 लाख रुपए तक की फीस है, और इसके बाद 18% GST लगता है, जो लगभग 80,000 से 90,000 रुपए के बीच में लगता है। ये सब मिला ले तो लगभग ये 5.5 लाख के आसपास बैठता है। तो हमने इसकी फीस 2.5 लाख रुपए रखी है, और ये फीस जो है ये ट्रस्ट और फाउंडेशन हमें पे करेगा। मैं अरविंद सिंह एकेडमी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, और इसके अलावा और भी कई पदों पर कार्य करता हूँ, कई संस्थानों से जुड़ा हूँ। संस्थान मतलब कहने का मतलब है कि arvindsingh.com हमारा ही अपना संस्थान है, जिसपे मैं एडिटर इन चीफ हूँ, और भी कुछ सहयोगी संस्थाएं हैं जिसमें मैं काम करता हूँ। इस संस्था की पूरी देखरेख मेरे नजरिए से, मेरे डायरेक्शन में होती है। छात्रों की पढ़ाई भी पूरी मेरी ही देखरेख में होती है। मैं इसको पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ कि आपका बच्चा अगर चयनित होता है तो उसके सुनहरे भविष्य की पूरी पूरी आप उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि ये 3 टायर सिस्टम है, टीचर्स, स्टूडेंट और पेरेंट्स, तीनों में से किसी का भी अगर सहयोग कम हुआ तो ये सक्सेस उतनी अच्छी नहीं हो सकती जितनी कि हम उम्मीद कर सकते हैं। तो छात्र मेहनती होने चाहिए, वो हम पर्सनल इंटरव्यू में डिस्कस कर लेंगे, इसलिए हमने पर्सनल इंटरेक्शन भी रखा है। टेस्ट के बाद रिजल्ट होगा, रिजल्ट के बाद पहले आप फॉर्म भर देंगे, जैसा कि हमने जो लिंक दिया है उस पे, उसके बाद टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद रिजल्ट होगा, रिजल्ट के बाद पर्सनल इंटरेक्शन होगा, और इंटरेक्शन के बाद फिर एडमिशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, और एडमिशन के बाद लगभग दूसरे हफ्ते से अप्रैल के क्लास शुरू होगा। अब आप के मन में एक जिज्ञासा होगी कि जो बाहर के बच्चे हैं, दिल्ली से बाहर के बच्चे हैं, जिनके पेरेंट्स दिल्ली में हैं, जो बच्चा दिल्ली में है वो तो अपने घर से आ जा सकता है, जो बच्चे बाहर के हैं, दिल्ली से बाहर के हैं, और उनका अगर चयन होता है तो उनके रहने और खाने की व्यवस्था या तो पेरेंट्स खुद करें, या अगर कहेंगे तो भूमंत्र फाउंडेशन इसके लिए व्यवस्था करेगा, और उसकी जो एक्चुअल प्राइस होगी, जो अभी हमने कैलकुलेट किया है, लगभग 5,000 रुपए के आसपास होगी, ज्यादा भी थोड़ी हो सकती है, 1,500 या 5,000 हो सकती है, या 2-400 कम भी हो सकती है। जो एग्जैक्ट होगा वो पेरेंट्स को दे होंगे। रहने खाने की जिम्मेदारी पेरेंट्स को उठानी होगी, और पढ़ाई का खर्चा पूरी तरह से ये ट्रस्ट और फाउंडेशन मिल करके उठाएगा। तो आप अगर स्वप्न पाल रखे हैं कि हमारा बच्चा अच्छे संस्थान से कोचिंग करे, तो आपका स्वागत है इस एकेडमी में, और इस छात्रवृत्ति योजना में अवश्य आप पार्टिसिपेट करें और लाभान्वित हों। जहां तक बच्चों के सिलेक्शन, कोचिंग सिलेक्शन का और पढ़ाने का तात्पर्य है, यहाँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेटिकुलसली डिजाइंड स्टडी मटेरियल है जो बच्चों को दी जाएगी। बहुत सारी किताबें हैं, 39 बुक्स जो है वो एकेडमी की है, जो बच्चों को दी जाएगी स्टडी मटेरियल के रूप में। अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग मटेरियल हैं, और उसके हिसाब से उनको वो होमवर्क दिया जाता है, करवाया जाएगा। और क्लास में बच्चों की संख्या सबसे बड़ी बात और जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि बड़े इंस्टीट्यूट में एक क्लास में 60 से लेकर के 150 तक बच्चे होते हैं, 200 बच्चे होते हैं, हमारे यहाँ अधिकतम 40 बच्चे ही हो सकते हैं, 30 से 40 बच्चे हो सकते हैं, इससे ज़्यादा बच्चे नहीं हो सकते, ये गारंटीड है। इसी में कुछ बच्चे जो फीस दे करके पढ़ेंगे, उनके साथ ये बच्चे जो बाहर के फीस दे करके, पेरेंट्स इंडिविजुअल फीस दे करके पढ़ेंगे, उन्हीं के साथ ये बच्चे बिठाए जाएंगे जो जिनकी फीस फाउंडेशन और ट्रस्ट देगा। यानी सब लोग फीस वाले ही होंगे, लेकिन इसकी फीस किसी के पेरेंट्स दे रहे होंगे इंडिविजुअली, उन्हीं के साथ इनको भी बिठाया जाएगा और उसी क्लास में ये तैयारी कराई जाएगी। तो
उम्मीद है कि आपको ये स्कॉलरशिप का प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। कोई भी आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। किसी के लिए कोई बंदिश नहीं है कि कोई इनकम का क्राइटेरिया है कि आप 5 लाख वाले तक के इनकम के बच्चे को लिया जाएगा, 8 लाख वाले तक के लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी इनकम ग्रुप में हो, आप अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा हमारे संस्थान के जरिए एक अच्छे मुकाम तक पहुंचे तो हम उसकी सफलता में भागीदार होकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे और आपके चेहरे पर मुस्कान लाने में हम जी जान लगा देंगे। ये हमारी पूरी पूरी आपको आश्वासन है। और आप कोई और सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, अगर नहीं पूछना चाहते हैं तो मैं विदा लेना चाहूंगा। नमस्कार। बहुत बढ़िया, अब थोड़ा थोड़ा रवा हो रहा है।